हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ उपस्थित हूँ। और जैसा कि आपने पीछे भी देखा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अब पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर मैं सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंपेयर भी करूँगा। और कंपेयर करके जब हम पढ़ते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है और चीज़ें हमें समझ में भी अच्छी तरह से आती हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं बेहतर तरीके से, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके ऑप्शन को चुनने में हमें परेशानियाँ नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका जो फॉर्म होता है वह होता है वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल और वी वन प्लस आई एन जी। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी होता है। तो इसका फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से हम वी फोर लगाते हैं, वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव का फॉर्म कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, क्वेश्चन होता है तो यूज करते हैं आपको क्या, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो आपका क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा पैटर्न हो जाता है, जो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन हो जाता है। जैसे पॉजिटिव के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा वाज एवर हो जाएगा प्लस वी वन प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए, यानी कि नेगेटिव के लिए हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं नेगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहले वाज़ेवर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा वी वन प्लस आई एन जी प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स भी देना जरूरी है, नहीं तो कुछ ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूज वन में क्या दिया हुआ, इंटरप्टेड एक्शन। यहाँ देखते हैं इंटरप्टेड एक्शन, यानी कि जिस जब कभी भी कोई काम हो रहा है और उसमें इंटरप्शन होता है, यानी कि रोक होता है या अचानक कोई काम हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अचानक जो काम होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जिस काम में इंटरप्शन होता है, जो काम जैसे हो रहा है पहले से और उसमें अगर कोई रुकावट पैदा करता है, तो उस काम के लिए जिसको इंटरप्ट किया जाता है, जिसमें रुकावट पैदा किया जाता है, उस काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट ए लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। मतलब कि एक लंबा एक्शन जो हो रहा था पास्ट में उसको इंटरप्ट किया गया। दिस इंटरप्शन इज यूजुअली ए शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। और ये जो इंटरप्शन होता है, यानी कि जो इंटरप्शन वाला रोक वाला जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो शॉर्टर एक्शन होता है, एक छोटा सा एक्शन होता है जो सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। सिंपल पास्ट का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। या देखेंगे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी। एक तो काम चल रहा था टीवी देखने का, तब तक क्या हुआ, उसने मुझे बुलाया, सी कॉल्ड, व्हेन सी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया। तो ये जो है इंटरप्शन का कार्य है, शॉर्ट एक्शन है, तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ ये देखेंगे आप कि ये जो है आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो ये जो काम है वो क्या हो रहा था, लॉन्गर एक्शन है, तो इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखेंगे कि लॉन्गर एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस और शॉर्टर एक्शन के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। वेन द बेल रेंग, जब फोन की घंटी बजी, सी वॉज राइटिंग ए लेटर। यानी कि काम कौन सा हो रहा था, तो लेटर लिखने का काम हो रहा था, तभी क्या हुआ, बेल बजा। तो जो इंटरप्ट कौन किया, तो बेल का बजना इंटरप्ट किया काम को। तो इंटरप्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। जो काम हो रहा था लॉन्गर एक्शन, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे यूज पर। और सेकेंड रूल यूज इसका है, स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल क्या है, कि केवल और केवल आपका सेंटेंस ही आए इंटरप्ट करने के लिए कार्य को।
है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम भी आ सकता है इंटरप्शन के लिए, जो कि है, जो आपको उसके लिए आ सकता है, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, या फिर एट मिडनाइट भी दिया हुआ है, स्टरडे हो सकता है, एगो हो सकता है, इन प्लस कोई सेंचुरी हो सकता है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई वर्ड आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, क्योंकि उसको कहा जाता है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। वो स्पेसिफिक टाइम है, खास समय है जो इंटरप्ट करता है किसी कार्य को। तो जब इंटरप्ट करता है किसी कार्य को, और किसको इंटरप्ट करेगा वो, तो कोई कोई लॉन्ग एक्शन को, लॉन्गर एक्शन को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा। तो लॉन्गर एक्शन क्या होगा, जो इन वर्ड के साथ, यानी कि जो लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, एडमिट नाइट है, एस्टरडे है, एगो है, इन प्लस कोई सेंचुरी है, तो अगर इन्हें या इन प्लस कोई मंथ है, तो अगर इन्हें ईयर हो, मंथ हो, या कोई भी हो इनके बाद, तो सिंपल पास्ट में ही होता है। तो अगर ये क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, तो किसको इंटरप्ट कर रहे हैं, ये इंटरप्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस को, वैसे सेंटेंस को जो लॉन्गर एक्शन है और पास्ट में है, तो उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे यहाँ देख लिए, लास्ट नाइट एट 6 PM, मतलब कि पिछली रात 6 बजे मैं क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था, आई वॉज ईटिंग डिनर। एट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि को, वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट, हम डिजर्ट से होकर के जा रहे थे। या स्टरडे है, एट दिस टाइम मैंने इस समय, कल आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क एट वर्क, मैं अपने डेस्क के पास बैठा हुआ था काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ देख सकते हैं आपकी, जो ये जितने भी वर्ड आपने देखा, ये इंटरप्शन के वर्ड हैं, स्पेसिफिक टाइम है, जो अगर लगे होंगे तो उनके साथ भी क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है कि अगर ये लास्ट टाइम, और जब इस, और स्टरडे के साथ भी लगाते हैं, एगो के साथ भी लगाते हैं, है ना, तो अगर ये केवल एक शॉर्ट एक्शन की, यानी शॉर्टर एक्शन की बात करेंगी, तब वो सिंपल पास्ट होगा। लेकिन अगर इनके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे एट दिस टाइम लग गया, यहाँ पर एट 6 PM लग गया, तो अगर ये लॉन्गर एक्शन की बात करेंगी, तो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि इन द सिंपल पास्ट ए स्पेसिफिक टाइम इज यूज टू शो वेन एन एक्शन बिगेन और फिनिश। मतलब कि सिंपल पास्ट में ये स्पेसिफिक जो टाइम है, ये क्या दिखाता है, ये इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि ये दिखाए कि कब कार्य शुरू हुआ और समाप्त हुआ। और इन पास्ट कंटिन्यूअस ए स्पेसिफिक टाइम ओनली इंटरप्ट द एक्शन, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करता है, स्पेसिफिक टाइम केवल इंटरप्ट करता है उसमें, उस यानी कि जो एक्शन चल रहा है उसको इंटरप्ट करता है, उसको उसमें बाधा डालता है या उसके बीच में आ जाता है। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वो दिखाता है कि कब एक्शन शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो इसको, इस अंतर को देखना होगा, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे कि कहाँ सिंपल पास्ट लगेगा और कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी है कि लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर, यानी कि यहाँ कह रहा है कि लास्ट टाइम मतलब 6 PM को मैंने डिनर किया, तो ये फिनिश हो गया काम आपका, है ना। और यहाँ आई स्टार्टेड ईटिंग एट 6 PM, मैं 6 बजे शुरू किया, तो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये बताता है सिंपल पास्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है कि लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये जो वो स्पेसिफिक टाइम है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो आपको इंटरप्ट कर रहा है, आपके जो काम के बीच में बताया जा रहा है, यानी कि काम के बीच में आ रहा है, कोई लॉन्गर एक्शन है उसके बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको समझना है कि सिंपल पास्ट होगा तो क्या करेगा, तो सिंपल पास्ट होगा तो बिगन और फिनिश, यानी कि शुरू हुआ या खत्म हुआ, उसको केवल बताएगा। जबकि अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो यही जो स्पेसिफिक टाइम है वो इंटरप्ट करेंगे उस एक्शन को। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर यूज पर। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि पैरेलल एक्शंस, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब कि जो कार्य होते रहते हैं, चाहे एक साथ काम हो रहे हैं, उसको पैरेलल एक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो पैरेलल हो गया, है ना, यानी कि समानांतर जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेन यू यूज द पास्ट कंटिन्यूअस विद टू एक्शन इन द सेम सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। कह रहा है कि अगर आप, यानी जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दो कार्य के लिए उपयोग करते हैं एक ही सेंटेंस में, तो ये व्यक्त करता है कि एक्शन जो है दोनों एक ही साथ हो रहा है ना। द एक्शंस आर पैरेलल, वो समानांतर हैं, जो एक्शन है वो समानांतर है। जैसे आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज मेकिंग डिनर, मैं पढ़ रहा था जब वो खाना बना रहा था। व्हाइल अनिता वाज रीडिंग, अनु वाज डांसिंग, जब अनिता पढ़ रही थी और अनु क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। वर यू लिसनिंग व्हाइल ही वाज टॉकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रहा था। तो इस प्रकार से क्या होता है, पैरेलल एक्शन को दिखाता है कि दोनों काम एक साथ होते हैं, तो उसको दिखाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से हम पैरेलल एक्शन को भी दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एटमोस्फेयर की बात कर रहा है यहाँ पर, कि इन इंग्लिश वी ऑफन यूज ए सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन। इंग्लिश में हम पैरेलल एक्शन को
एक श्रृंखला में पैरेलल एक्शन को प्राय दिखाते हैं टू डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर, मतलब कुछ समय की के उस समय के वातावरण को दिखाने के लिए, एट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी कि किसी खास समय में, पार्टिकुलर किसी खास समय में पास्ट में, उसको उसके उस समय के एटमोस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हम कई सीरीज में पैरेलल एक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे, जब व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में गया तो वहाँ क्या क्या हो रहा था, वहाँ का ऑफिस का एटमोस्फेयर क्या था, तो ऑफिस का एटमोस्फेयर क्या था उसको दिखाने के लिए, अब ऑफिस में तो एक काम हो नहीं रहा होगा, कोई 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 लिख रहा होगा, कोई किसी बात को सुन रहा होगा, कोई और कुछ कर रहा होगा, तो अनेकों आदमी एक साथ अनेकों कार्य कर रहे होंगे, तो पैरेलल हो गया ना। और तो वहाँ का एटमोस्फेयर क्या है, वहाँ का एटमोस्फेयर क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, यानी कि एक्शन हो रहा है जब मैं ऑफिस में गया। तो ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए, एक सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि व्हेन आई वॉक्ड टू इनटू द ऑफिस सेवरल पीपल वर बिजी टाइपिंग, सम वर टेकिंग ऑन द टॉकिंग ऑन द फोन्स, यानी कि कह रहे सेवरल पीपल वर बिजी टाइपिंग, बहुत सारे लोग बिजी थे टाइपिंग करने में, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे। द बॉस वॉज गिविंग डायरेक्शन, बॉस डायरेक्शन दे रहा था, एंड कस्टमर वर वेटिंग टू बी हेल्प्ड, और कस्टमर इंतजार कर रहे थे मदद किए जाने का। तो इतना चीज हो रहा था, तो ये पैरेलल एक्शन है ना, एक साथ कई का एक्शन हो रहे थे, मतलब जारी थे पास्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एटमोस्फेयर दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, एटमोस्फेयर दिखाने के लिए किसी पार्टिकुलर टाइम में पास्ट में हम क्या करते हैं कि कई सीरीज में पैरेलल एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतना दिखाया गया है। देखिए वन कस्टमर वाइज स्क्रीमिंग, एक कस्टमर चीख रहा था एट द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पर एंड वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिला रहा था। अदर्स वर कंप्लेनिंग टू इच अदर, और दूसरे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो काम नहीं होता है, यहाँ की सर्विस बेकार है, फलां थे क्या, मतलब कि बात कर रहे थे। तो एक साथ इतने कार्य हो रहे थे, पैरेलल एक्शन की कई सीरीज में हो रहे थे। तो ऐसे दिखाने के, पैरेलल एक्शन के सीरीज को दिखाने के लिए, वहां के एटमोस्फेयर को दिखाने के लिए, मतलब पास्ट के किसी पार्टिकुलर टाइम के एटमोस्फेयर को दिखाने के लिए, कई सीक्वेंस में, कई सीरीज में पैरेलल एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, या व्हाइल वर्सेस वेन। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि व्हाइल का प्रयोग कब करें और वेन का प्रयोग कब करें, है ना। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इफेक्टिव रूल है और आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। तो यहाँ कह रहा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट, जब आप पास्ट में किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हेन इज मोस्ट ऑफन फॉलोड बाय द वर्ब टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट। तो बहुत बार, मैंने बहुधा कह सकते हैं, बहुत बार जो व्हेन होता है ये सिंपल पास्ट के वर्ब के साथ लगता है, यानी कि जिस पार्ट में सिंपल पास्ट होता है वहाँ पर हम व्हेन लगाते हैं। वेयर एज व्हाइल इज यूजुअली फॉलोड बाई पास्ट कंटिन्यूअस, जबकि व्हाइल का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है। व्हाइल का प्रयोग किसके साथ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। और व्हेन का प्रयोग किसके साथ होता है, व्हेन के साथ। व्हेन का प्रयोग किसके साथ होता है, तो सिंपल पास्ट के साथ होता है, ठीक है। व्हाइल एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाइल क्या करता है, उस समय ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उस समय के बारे में बताता है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, इसलिए यहाँ कंटिन्यूअस होता है। दे हैव सिमिलर मीनिंग्स बट दे इम्फेसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इनका दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अलग अलग सेंटेंस के पार्ट पर जोड़ देते हैं। जैसे वो कंटिन्यूअस पर देता है व्हाइल, और जो कि व्हेन क्या करता है, सिंपल पास्ट पर जोड़ देता है। जैसे आई वॉज स्टडिंग व्हेन सी कॉल्ड, मैं पढ़ रहा था जब उसने बुलाया, और यहाँ व्हाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था सी कॉल्ड, उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ देखिए कि व्हेन के साथ कौन सा पार्ट है, तो सिंपल पास्ट का है, और व्हाइल के साथ कौन सा पार्ट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो ऐसे यूज होता है। तो मुझे आशा है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस में कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, इसको आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद से मैं आपको होमवर्क इसमें दूंगा, इसके लिए एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, आप बनाएंगे, और उसके बाद से उसका भी एक्सप्लेनेशन करके मैं अपलोड करूँगा वीडियो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।